नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल। सो गाइज, आज हम सिटी एक्स 9000 इन के अंदर एक और न्यू टाउन को एडिट करने वाले हैं, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखते रहिए। और साथ ही में जिन लोगों के पास भी सिटी एक्स 8000 आई है, वो भी सेम तरीके से अपने कीबोर्ड में टाउन को एडिट कर सकते हैं। तो वीडियो को देखने से पहले हम कुछ बातें क्लियर कर लेते हैं कि हमारी जितनी भी लेयर टोन बनती है वो सभी बैंक के अंदर ही बनती है, इसलिए काफ़ी लोगों को थोड़ी सी समस्या ये रहती है कि जब वे किसी से बैकअप लेते हैं तो देखते हैं कि वीडियो के अंदर जो टोन दिखाई गई है वो उनके कीबोर्ड के अंदर मिलती नहीं है, क्योंकि 800 से लेकर 900 तक जितनी भी टोन है वो आपकी यूज़र टोन में आती है, जहाँ पर सिंगल लेयर टोन रहती है, जबकि बैंक के अंदर आपकी जितनी भी टोन होती है वो डबल लेयर में होती है। इसलिए जो भी बैकअप आपको सिटी एक्स 8000 IN एंड सिटी एक्स 9000 IN के अंदर दिखाया जाता है वो सभी बैंक के ऊपर से ही क्रिएट होता है। इसमें आपको यूज़र एंड बैंक अलग अलग देखने को मिल जाता है। तो जितने भी टोन हम लेयर में बनाते हैं वो सभी अपने बैंक के अंदर ही सेव करनी है। तो बैंक के अंदर जैसे हमने यहाँ पर मान लीजिए कि हम यहाँ पर 13 बैंक ले रहे हैं और हमें यहाँ पर दूसरे नंबर पे ये टोन आज की बनानी है, तो आपने ये 13 बैंक का सेकेंड नंबर पहले से लेकर रखना है और यहाँ पर आपको जो भी टोन बनानी है आप उसको एडिट कीजिए जैसे जैसे आपको बताएंगे, और उसके बाद जैसे आपका पूरा टोन बन जाता है तो आपने उसको वहाँ पर स्टोर करना है इस तरीके से। अब आप जब भी कीबोर्ड ऑन ऑफ करेंगे तो आपका जो टोन है वो 13 बैंक के दूसरे नंबर में स्टोर रहेगा। ये टोन अगर आपको यहाँ पर 815 नंबर दिखाई दे रहा है और अगर आप कीबोर्ड ऑन करने के बाद 815 में डायरेक्ट जाएंगे तब भी आपका वो टोन सेम तरीके से वहाँ पर प्ले नहीं होगा, आपका ये ओनली बैंक के अंदर ही प्ले होगा। तो ये चीज़ आपने क्लियर रखनी है पहले से ही। आज हम जिस टोन को एडिट करेंगे वो भी डबल लेयर में एडिट होगी, तो उससे पहले आप किसी भी एक बैंक को सिलेक्ट कर लीजिए। हमने 13 बैंक का सेकंड नंबर ले लिया है, यहाँ पर हम टोन को बनाएंगे और आपको भी दिखाएंगे। तो आप भी इस तरीके से किसी एक बैंक को ले लीजिए। जब भी आप बैंक के अंदर जाएंगे तो वहाँ पर आपको हो सकता है कि U1, U2, L1, L2 आपको इस तरीके से दिखे। तो टोन एडिट करने से पहले हम कुछ बातों का ध्यान रखते हैं कि हमारी जो टोन है वो सिंगल लेयर में हो, तो हम यहाँ से स्प्लिट एंड लेयर का यूज़ करके इस तरीके से सिंगल टोन ले सकते हैं। तो हम यहाँ पर जो सबसे पहले टोन को एडिट करेंगे वो हमारी रहेगी 630 नंबर टोन ई होरन जी के नाम से। ये टोन हमारी ऑलरेडी एडिट है, तो मैं आपको अपना पेमेंट डायरेक्ट दे देता हूँ। तो आपने क्या करना है कि इस टोन को लेने के बाद ये देखिए यहाँ पर सिंगल टोन है, U1 के आगे एरो लगा हुआ है। 630 नंबर टोन लेने के बाद यहाँ पर जो हमारा फंक्शन का बटन दिया गया है इसको आपने लॉन्ग प्रेस करके रखना है, यानी इसको दबा के रखेंगे इस तरीके से, तो आपकी डिस्प्ले पर आ गया अटैक टाइम। तो मैं आपको डायरेक्ट अपना पेमेंट दे देता हूँ यहाँ से होरन जी, इसको लॉन्ग प्रेस किया अटैक टाइम आ जाता है। इसको हम रखेंगे यहाँ पर 70 नंबर पे यहाँ से, उसके बाद हम 3 नंबर को प्रेस करेंगे, यहाँ पर आएगा रिलीज टाइम, इसको अपने 60 नंबर पे रखना है। फिर से 3 नंबर को प्रेस करेंगे कट ऑफ, इसको भी अपने 60 नंबर पे रखना है। फिर से 3 नंबर प्रेस करेंगे, यहाँ पर आता है रेसोनेंस, इसको आपने रखना है 54 नंबर पर। उसके बाद आएंगे आगे वाइब्रेटो आता है, 6 नंबर से एंटर करेंगे, और उसके बाद यहाँ पर जो हमने वाइब टाइप रखनी है वो रखनी है 2 नंबर की। आप चाहो तो प्लस माइनस का यूज़ भी कर सकते हैं, लेकिन कर्जर से जल्दी हो जाता है इसलिए आप इसका यूज़ करें। तो 2 नंबर की TRI आपने ये रखनी है। फिर हम 3 नंबर को प्रेस करेंगे, यहाँ पर वाइब डेप्थ आता है, इसको भी आपने 70 नंबर पे रखना है। फिर से 3 नंबर प्रेस करेंगे, वाइब रेट यहाँ पर 68 नंबर पर रहेगा। फिर से 3 नंबर प्रेस करेंगे, यहाँ पर वाइब डिले 69 नंबर पर रहेगा। फिर एग्जिट करेंगे 4 नंबर से। अब आते हैं आगे, यहाँ पर ऑक्टेव शिफ्ट 0, वॉल्यूम आपका फुल रहेगा यहाँ से पूरा। फिर से 3 नंबर से आ जाएंगे, यहाँ पर बैलेंस शीट साइज 56 नंबर पे रखेंगे। रिवर्ब सेंड आपका यहाँ पर 000 नंबर पे रहेगा, कोरस सेंड 000 नंबर पे, एंड डिले सेंड आपका यहाँ पर 40 नंबर पे रहेगा। इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर आगे आएंगे DSP आता है, DSP में आपने एंटर करना है, और यहाँ पर आपकी DSP अगर ऑफ है तो आपने इसको ऑन करना है इस तरीके से, प्लस से ऑन कर लेंगे। और ऑन करने के बाद आप यहां से 3 नंबर से आगे आएंगे, तो 3 नंबर से जैसे आप आगे आएंगे तो यहां पर आपको DSP नाम 21 नंबर पे रखनी है। यहां पर आपको काफ़ी सारे DSP मिल जाते हैं, तो आपने कर्जर को जितना फास्ट हो सके घुमाना है और आपको यहां पर DSP रखनी है 21 नंबर की। और जैसे आप इस DSP का यूज़ करेंगे तो इस तरीके से आपका ये टोन आएगा। फिर आपने एग्जिट करना है और 1 नंबर से बैक आना है, यहाँ पर आपका डिले 00 हो जाएगा, तो आपने प्लस और माइनस को एक साथ प्रेस करना है, तो बाय डिफॉल्ट आपका 40 नंबर पे आ जाएगा और बाकी तो आपका 00 नंबर पे ही है। फिर आपने 4 नंबर से एग्जिट करना है और फिर से यस, और फिर से आपने यस करके बाहर आ जाना है। तो आपका जो टोन है 630 नंबर वाला, ये वाला दोस्तों, अब ये टोन कुछ ऐसा बन चुका है।
हमारी जो टोन है वो 815 नंबर पे एडिट हुई है। आपकी जितने नंबर पे एडिट हुई है आपने ये नंबर याद रखना है कि आपका कौन से नंबर पे ये टोन एडिट हुआ है। जैसे हमारा 815 आ रहा है, आपका 800 में से कुछ भी नंबर हो सकता है, तो आपने इसको याद रखना है। अब हम क्या करेंगे, 815 आपका U1 दिखा रहा है, तो अब आप देखिए, तो आपने सबसे पहले यहाँ पर टोन को चेंज करना है। जैसे आपका 815 था तो आपने यहाँ से 447 नंबर डायल कर लेना है, तो आपका आ जाएगा हिप लीड, देख लीजिए दोस्तों। मैं इसलिए आपको इस तरीके से दिखा रहा हूँ ताकि आपको प्रॉपर दिखे। तो हमारी टोन आपने चेंज करके यहाँ पर 747 नंबर की ले लेनी है, हिप लीड के नाम से टोन आ जाएगा। और उसके बाद आपने यहाँ पर जो लेयर का बटन दिया गया है इसको प्रेस करना है, और फिर आपने जो टोन एडिट करी जितने नंबर पे भी आई होगी आपने यूट्यूब के आगे उस टोन नंबर को ले लेना है। जैसे मेरा 815 नंबर पर एडिट हुआ था तो हमने यूट्यूब में उस टोन को ले लिया। अब हमारे पास दो टोन आ चुकी है, एक नंबर पर हमारे पास 447 नंबर की टोन है एंड सेकंड में हमारे पास 815 नंबर की टोन है होरन जी के नाम से। अब दो टोन हमारे पास लेयर हो चुकी है, तो हमने क्या करना है, सबसे पहले इस नंबर को यहाँ पर स्टोर कर लेना है ताकि हमारा टोन यहाँ पर सेव हो जाए इतने इतना। अब हम इसके आगे सेटिंग करेंगे, तो सेटिंग करने के लिए आपको यहाँ पर सबसे पहले ऑक्टेव को प्रेस करना है। इसको हमने प्रेस कर दिया। अब यहाँ पर आप देख लीजिए U10 आ रहा है, फिर आप U2 में मिला लीजिए। अगर आपका U20 से आगे फिर आगे पीछे कुछ इस तरीके से आ रहा है तो आपने इसको 0 नंबर पे करना है एंड U1 को भी आपने इस तरीके से 0 नंबर पे कर लेना है। फिर एग्जिट करेंगे और अगेन इसको आपने स्टोर कर लेना है। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर जो मिक्सर का बटन दिया गया है इसको लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे तो आपकी डिस्प्ले पे आएगा पार्ट ऑन। और जैसे आपका पार्ट ऑन आता है और मिक्सर में हम जब भी टोन लेयर को एडिट करते हैं तो यहाँ पर मिक्सर एंड कीबोर्ड लिखा हो। अगर आपका कुछ और आ रहा है तो आप 1 या 3 नंबर का यूज़ करके आगे पीछे जा सकते हैं, लेकिन हमारे पास अभी मिक्सर एंड कीबोर्ड लिखा हुआ आ रहा है और यहाँ पर नंबर ब्लिंक होते हैं। तो आपने पार्ट ऑन यहाँ पर देख लीजिए, पार्ट ऑन है तो आपने इसको ऑन ही रखना है। फिर आपने नीचे आना है 2 नंबर से। अब आप देखिए यहाँ पर वॉल्यूम आ रहा है और वॉल्यूम के साथ यहाँ पर नंबर ब्लिंक हो रहा है, तो आपने जो फर्स्ट नंबर का वॉल्यूम है वो 127 नंबर पर रखना है फुल। अगर आपका कम आ रहा है, वैसे तो 100 नंबर पर आता है बाई डिफ़ॉल्ट, तो आपने इसको फुल कर लेना है। और यहाँ से 3 नंबर को प्रेस करके फिर आपका यहाँ पर सेकेंड नंबर का वॉल्यूम आ जाता है जो कि ब्लिंक हो रहा है, ये हमने 124 नंबर पे रख लेना है। फिर हम 2 नंबर को प्रेस करेंगे, यहाँ पर पेन आपका 00 नंबर पे रहेगा एंड फर्स्ट वाले का आपने -2 नंबर पे रख लेना है। अब हम नीचे आएंगे, यहाँ पर आता है रिवर्ब सेंड, तो हमारे यहाँ पर नंबर ब्लिंक हो रहा है 1 नंबर, हमने इसका रिवर्ब सेंड रखा हुआ है 25 नंबर पर। अगर हम 3 नंबर को प्रेस करेंगे तो यहाँ पर दूसरा ब्लिंक होता है, इसको आपने रखना है 46 नंबर पर। फिर से 2 नंबर प्रेस करेंगे, अब हो जाता है कोरस एंड, तो यहाँ पर सेकंड ब्लिंक हो रहा है तो इसका कोरस एंड आपने 36 नंबर पर रखना है एंड फर्स्ट वाले का 000। अब आता है डिले सेंड। डिले सेंड दोस्तों यहाँ पर क्या होता है कि जो भी आप इसके अंदर डिले देंगे उसका जो वॉल्यूम है वो टोन के अंदर कितना आना चाहिए, यानी जैसे आप डिले रिपीट हो रहा है तो जो रिपीट डिले का साउंड है वो कितना आना चाहिए, आपकी टोन के बराबर आना चाहिए, फिर आपके टोन से थोड़ा सा डिले का साउंड कम आना चाहिए। तो यहाँ पर आपको डिले का साउंड दिया गया है जो कि आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। जैसे कि देखिए, अगर मैं इसको फुल कर देता हूँ, अभी ये 75 नंबर पे है, तो जो डिले आ रहा है वो सेम टू सेम साउंड वैसा लग रहा है। लेकिन अगर मैं इसको कम कर देता हूँ, डिले तो आ रहा है लेकिन उसका साउंड कम आ रहा है। तो इस तरीके से आपने यहाँ पर अपना सिस्टम अपने हिसाब से रखना है, ऐसे नहीं कि आपने मेरे वाला यूज़ करना है। हम तो डिले वैसे भी ज़्यादा रखते हैं लेकिन आप चाहो तो इसको कम भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर डिले आपने 40 नंबर पे, आप चाहो तो इसका नंबर भी 40 नंबर पर रख सकते हैं। पहले इसका नंबर 75 नंबर पर था तो हम इसको वही रख लेते हैं। इतना होने का तो आपने एग्जिट कर लेना है और इस टोन को सेम स्टोन नंबर पर प्रेस करेंगे। अब हमने पहले टोन एडिट करा, उसको लेयर करा, उसके बाद हमने इसका ऑक्टेव सेलेक्ट करा, मिक्सेस इसको एडिट करा और यहाँ पर सेव कर लिया। अब आप जब भी इस कीबोर्ड को प्ले करेंगे तो आपका ये टोन इतना इतना प्ले होता रहेगा। अब हम जाएंगे फंक्शन में, फंक्शन में इस तरीके से आएंगे और एक नंबर से बैक आएंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा
इक्वलाइजर, ये आपको CTX 9000 इन के अंदर ही मिलेगा। तो आप यहाँ से इसको बाय डिफॉल्ट जो भी आपका आता है उसको रख लीजिए एक नंबर पे। फिर आता है डिले, डिले हमारा 40 नंबर पे रहेगा क्योंकि हम ज़्यादातर रिदम के साथ सॉन्ग प्ले करते हैं तो रिदम में डिले चाहिए रहता है थोड़ा सा। उसके बाद हम बैक आएंगे तो यहाँ पर कोरस आपने एक नंबर का यूज़ करना है, एंड रिवर्ब यहाँ पर 15 नंबर का यूज़ करना है, और एग्जिट करके अगेन आप इसको स्टोर कर लीजिए। स्टोर करने के बाद अगर आप यहाँ पर कोड लगाना चाहते हैं, काफ़ी लोगों को कोड पसंद होते हैं, काफ़ी लोगों को नहीं भी पता होता है, तो आप कोड लगाने के लिए क्या कर सकते हैं दोस्तों, हमारा आप जो टोन है प्रॉपर तरीके से बन चुका है लेकिन इसमें हमने कोड नहीं लगाए हुए हैं। तो कोड लगाने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर जो स्प्लिट का बटन दिया गया है इसको आपने प्रेस करना है। जैसे आप इसको प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपका L1 आ जाता है। L1 क्या कि आगे आपका जो भी टोन आएगा वो आप कोड के रूप में यूज कर पाएंगे यहाँ से। तो कोड के ऊपर आप यहाँ पर जो भी टोन रखेंगे, जैसे हम ज्यादातर यूज करते हैं अपना 840 नंबर का कोड, हमने 840 नंबर पे जो टोन एडिट करी हुई है वो आपकी ऑलरेडी 662 नंबर पे आपको मिल जाएगी, देखिए। तो आप इस टोन का यूज़ करके भी अपना कोड बना सकते हैं और अगेन आप इसको यहाँ पर स्टोर भी कर सकते हैं। जैसे आप इसको स्टोर करेंगे अब आपका कोड यहाँ पर प्ले रहेगा एंड टोन आपका यहाँ पर रह जाएगा। इसमें आपको वर्ड इफेक्ट भी मिल जाता है कोड के अंदर। तो इस तरीके से आप अपना कोड लगा सकते हैं। और रही बात कोड के साउंड की, तो कोड का साउंड आप मिक्सर से फिर से एडिट कर सकते हैं। तो जहाँ पर हम पहले वॉल्यूम में गए थे, वॉल्यूम में आपका जो थर्ड नंबर दिया गया है, यहाँ से आगे जाएंगे, यहाँ पर आपको वॉल्यूम में जो थर्ड नंबर दिया गया है वो आपका साउंड कोड का है। अगर आप इसको कम करेंगे तो कोड का साउंड कम हो जाएगा, अगर आप इसको ज़्यादा करेंगे तो कोड का साउंड ज़्यादा हो जाएगा। तो आप इसको अपने हिसाब से सेट कर लीजिए एंड अगेन आपने लास्ट में इसको फिर से वही नंबर पे स्टोर कर लेना है। अब बात करेंगे दोस्तों एक और फंक्शन की, जो कि हम अलग से भी वीडियो बनाएंगे लेकिन इसके अंदर भी बता देते हैं कि यहाँ पर हमारा पोर्टमेंटो का भी यूज़ हो रहा है। अब पोर्टमेंटो का क्या होगा कि आप यहाँ से इसको डायरेक्ट ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो जैसे आप इसको ऑन करेंगे तो यहाँ पर पोर्टमेंटो लिखा जाता है। अब पोर्टमेंटो आपका जो इफेक्ट है पोर्टमेंटो में एक दिक्कत ये आती है कि जब हम कोड के साथ पोर्टमेंटो का यूज़ करते हैं तो आपके कोड में भी पोर्टमेंटो का यूज़ होने लग पड़ता है। पोर्टमेंटो से क्या होता है कि सेम आपके कोड के ऊपर भी सेम ऐसा इफेक्ट अप्लाई होने लग जाता है। तो उसको आप बंद कर सकते हैं। बंद करने के लिए आपने क्या करना है, पोर्टमेंटो को ऑन कर दिया और आपने इसको एक बार यहाँ पर स्टोर कर लेना है पोर्टमेंटो के साथ। अब हम फंक्शन में जाएंगे, यहाँ से 3 नंबर से आगे आएंगे, यहाँ पर आता है कंट्रोलर, इसमें एंटर करेंगे, यहाँ पर आता है पैडल, फिर आप आगे आएंगे, यहाँ पर आता है पोर्टमेंटो, यहाँ पर आधा लिखा हुआ है पोर्टमेंट, इसमें आपने एंटर करना है और यहाँ पर आपको आएगा U1 पोर्टमेंटो, ये हमारा 20 नंबर पे है। फिर आप दो नंबर को 3 नंबर को प्रेस करेंगे, यहाँ पर आता है U2 पोर्टमेंटो, ये आपका 20 नंबर पे है। अब हम आगे जाएंगे, यहाँ पर आता है L1। बेसिकली यहाँ पर आपकी ले टोन की बात हो रही है कि U1 आपकी पहली टोन है, U2 आपकी दूसरी टोन है एंड L1 हमारी कोड की टोन है। तो कोड की टोन के ऊपर हमने जो पोर्टमेंटो का साउंड रखा हुआ है वो 0 नंबर पे रखा हुआ है। अगर आप इसको ज़्यादा कर देंगे तो आपके कोड के ऊपर भी पोर्टमेंटो का इफेक्ट आएगा। तो आपने इसको बिल्कुल 0 0 0 नंबर पर रखना है। और अगर आपने L2 भी लगाया हुआ है तो L2 लगाने के लिए आप सेम अपर लेयर वाले बटन को लॉन्ग प्रेस करके रख सकते हैं इस तरीके से, तो आपका L2 भी आ जाता है। तो अगर आप लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, वरना रहने दीजिए। तो L2 का साउंड अगर आप यहाँ पर पोर्टमेंटो का काटना चाहते हैं तो आप इसको 0 कर लीजिए एंड एग्जिट करके अगेन उसको वहाँ पर स्टोर कर लीजिए। तो आपका लास्ट बार में जो भी स्टोर होगा, अब आप जब भी कीबोर्ड ऑन ऑफ करेंगे तो आपका 13 बैंक सेकंड टोन जैसे हमारा एडिट हुआ है सेम तरीके से ही प्ले होगा, चाहे हम कोई भी टोन चेंज कर लें।
सो दोस्तों आज की वीडियो फिलहाल इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, साथ में हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, और नेक्स्ट वीडियो हम मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।